हाय फ्रेंड्स, एम ऑटोमोबाइल में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक i20 है, इसमें गाड़ी का क्या प्रॉब्लम है। जब गाड़ी स्टार्ट करके अब फर्स्ट गियर में उठाते हैं गाड़ी, तो इसमें बहुत तेज़ आवाज़ आती है और ये इसका प्रॉब्लम बताया कस्टमर ने। उसका चेक करेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से इसका इशू है। तो एक बार इसको गाड़ी को स्टार्ट करते हैं पहले। गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब इसमें फर्स्ट गियर लगाएंगे और गाड़ी को उठाएंगे थोड़ा, फिर देखेंगे इसमें क्या आवाज़ आती है। देख रहे हैं उठाने पे आवाज़ आ रही है गाड़ी में। देख रहे हैं उठाने पे आवाज़ आ रही है, एक खड्डे सी आवाज़ आती है गाड़ी में बैठने में। अंदर बैठते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, पीछे लेने पे ज़्यादा आ रहा है। पूरा ऐसे बहुत तेज़ आवाज़ आ रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है ये आवाज़ का, इसके लिए अभी इसका ये फाउंडेशन इसको चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम इसका सॉल्व हुआ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ। देख सकते हैं इसका हमने इंजन माउंट खोल दिया है, तो इसका माउंट दिखाते हैं। अब इसका माउंट चेंज करेंगे। ये इसका पुराना माउंट है गाड़ी का और ये नया माउंट है इसका। ये गाड़ी में लगाएंगे, लगा करके आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी में लगाएंगे, ये देख सकते हैं इंजन माउंट लगा दिया हमने। अभी इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगेगा, ये ब्रैकेट आता है इसका, ये ब्रैकेट इसमें लगेगा। ये ब्रैकेट लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं आपको। अभी देखिए स्टार्ट करिए गाड़ी, अभी थोड़ा आगे पीछे करके देखेंगे। देखिए आगे ले रहे हैं, अभी इसमें इंजन में से कोई आवाज़ नहीं आई। अब पीछे लेंगे गाड़ी को, कितनी आराम से हो रही है। पहले इसका इंजन बहुत हिल रहा था, अब इंजन में देखिए पूरा स्मूथ हो गया, ज़रा भी थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं हो रहा और वो आवाज़ भी नहीं आ रही। आगे ले, देखिए आराम से आ रही। तो इसका काम हो गया गाड़ी का, इसका इंजन माउंट का प्रॉब्लम था। और अगर आपकी गाड़ी में भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे इंजन का भी कोई वाइब्रेट ज़्यादा होता है या उठाने पर आवाज़ आता है, तो इसका पहले इंजन माउंट चेक कराएं, फिर उसको चेक कराने के बाद अगर ख़राब हो तो उसे रिप्लेस करें। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।